कोबरा भारत में नाग के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में नाग को देवता का दर्जा दिया गया है। विश्वास कहिए या अंधविश्वास, नाग को सांपों में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। नाग अपने फन के वजह से अपने शिकार के मन में भय उत्पन्न करता है। इसका खतरनाक जहर और रूप के वजह से ये भय और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। भारत के साथ साथ ये अफ्रीका, दक्षिण एशिया और इंडोनेशिया में देखा जाता है। भारत में कोबरा के दो जातियां पाई जाती हैं। एक है स्पेक्टेकल कोबरा, जिसके फन पर एक खास निशान होता है। दूसरा है मोनोक्रेट कोबरा, इसके फन में दूसरे तरह का निशान होता है। यही दो निशान एक दूसरे को अलग करते हैं। दोनों के जहर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। नाक के जहर वाले दांत इसके मुंह के ऊपर के हिस्से में होता है और ये इसी से फौरन अपने शिकार को काटने पर ही जहर छोड़ देता है। नाग सूंघने और रात में देखने की अद्भुत क्षमता रखता है। लाल, पीले और काले रंग के कोबरा पूरे पूर्व एशिया में देखे जाते हैं। कोबरा आकार में लंबे होते हैं। तकरीबन 6 फीट के कोबरा आमतौर पर देखे जा सकते हैं। जहर थूकने वाला कोबरा अफ्रीका में देखा जाता है। कोबरा में ये जाति लंबाई में सबसे छोटे होते हैं। ये कोबरा अपने शिकार के आंख और मुंह पर जहर 99% एक्यूरेसी के साथ फेंक सकता है। ये जहर शिकार को अंधा बनाने के लिए काफी होता है और ये कोबरा अंधे शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। खतरा महसूस होने पर कोबरा अपने फन को उठाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ज्यादातर ये काटने से ज्यादा भाग जाता है, लेकिन हॉस्टाइल सिचुएशन में ये काट ही लेता है। मिट्टी के घर और ग्रीष्म प्रधान इलाके में कोबरा आमतौर पर देखे जाते हैं। कोबरा एक बार में 20 से 40 अंडे दे सकता है, जो कि 2 से 3 महीने में फूट जाते हैं। छोटे कोबरा जन्म से ही जहरीले होते हैं और ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि कब कितना जहर छोड़ना होता है ये नहीं जानते। धीरे धीरे शिकार करने के साथ साथ ये कब कितना जहर छोड़ना होता है सीख जाते हैं। कोबरा अपने अंडों को फूटने तक रखवाली करता है। सभी सांपों के तरह कोबरा भी चूहे, मेंढक, छिपकली और अंडों को खा जाता है। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो शिकार के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। सांस ना ले पाने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। कोबरा के काटने के बाद अंधापन, पेट दर्द, दम घुटना, उल्टी आदि लक्षण देखे जाते हैं। कोबरा के काटने से पेशेंट बेहोश में चला जाता है और बाद में कोमा में भी जा सकता है। इसलिए सांप काटने के बाद पेशेंट को सोने नहीं देना है, फौरन हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। मोनोक्लेट कोबरा का जहर साइटोटॉक्सिक होता है, जो बॉडी सेल्स को खत्म करने लगता है। सांप के काटने के बाद डॉक्टर्स अक्सर सांप कौन सा है ये पूछते हैं, इसलिए सांपों की सटीक पहचान हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। क्या पता कब काम आ जाए। सांप दिख जाए तो स्नेक हेल्पलाइन को फौरन खबर दें। खुद से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें और सांप के काटने पर फौरन हॉस्पिटल जाएं। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए डिस्कवरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद। नमस्कार।